स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो एक और नई भर्ती की अपडेट के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संगठन कुमाऊं क्षेत्र की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है 12 जून 2024 को, नई भर्ती के संबंध को लेकर है। तो पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो मेरे साथ आप तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, इस जो विज्ञप्ति है उसमें नई भर्ती को लेकर बात हुई है वन विकास निगम में। जैसे कि आपको पता है कि रिसेंट टाइम में जो इससे पहले अधियाचन आया था लोक सेवा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, वो स्केलर के 200 पदों को लेकर आया था, जिसकी भर्ती अभी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से गतिमान है, ठीक है। और उसमें साथ साथ लॉन्गिंग अधिकारी की भी थी, हालांकि उसको लेकर अभी कोई रिसेंट अपडेट नहीं है, अधियाचन को लेकर ही बातचीत हो रही है। लेकिन एक और नई जो जानकारी सामने निकल के आई है इस विज्ञप्ति में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो आप देख सकते हैं 11/6/2024 को ये बैठक हुई है, और बैठक में उत्तराखंड विकास निगम ने क्या यहाँ पर जो है डिसीजन लिए हैं वो ये हैं। आप देख सकते हैं जो सबसे पहले वन उत्तराखंड विकास निगम कार्य स्केलर संवर्ग कार्मिकों का जो अब सैलरी है उसको 2000 ग्रेड पे अनुमय करने का, ठीक है। उसके बाद और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश हैं तो उनको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फोर्थ पॉइंट जो है सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या है कि वन विकास निगम में वर्तमान में 200 स्केलर के पदों की जो भर्ती के प्रक्रिया है गतिमान है। निगम में स्केलरों की कमी को देखते हुए पुनः 400 स्केलरों की भर्ती हेतु तो अधियाचन शासन आयोग को प्रेषित किया जाए। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 400 नए पदों को लेकर, जी हाँ 400 नए पदों को लेकर जो है अधियाचन जो है लोक सेवा आयोग के सॉरी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास भेजा जाए, ऐसा यहाँ पर इस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है। और बहुत ही जल्द आपको ये देखने को मिल सकती है, जैसे कि आपको पता है कि 200 स्केलरों की जो भर्ती है वो गतिमान है, तो जस्ट इसके ठीक बाद आपको मिड आपके जुलाई अगस्त के आसपास आपको इसका नया विज्ञापन प्रेषित होते हुए दिखाई देगा। क्योंकि वन विभाग में आपको पता है फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट रेंजर की भर्ती निकलने वाली है, जो कि जुलाई के आसपास निकलेगी, तो साथ ही साथ स्किलों की भी यहां पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन होती हैं, क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस जो रिलीज है उसमें आप देख सकते हैं लॉन्गिंग अधिकारियों की भी कमी की बात यहां पर की गई है, तो हो सकता है बहुत ही जल्द आपको लॉन्गिंग अधिकारी की भी जो है भर्ती देखने को मिल जाए। ये विज्ञप्ति आप देख सकते हैं स्केलर की है, जो कि 14 मार्च को आई थी भर्ती, ठीक है, 200 पदों के लिए आप देख सकते हैं ये है, ठीक है। अब नीचे सीधे चलते हैं, इसकी क्वालिफिकेशंस को लेकर बात कर सकते हैं हम। तो 18 से लेकर 28 साल होती है, बाकी एससी एसटी ओबीसी में जो भी एज रिलैक्सेशन होते हैं उसमें आपको दिखा देंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंटरमीडिएट आपको पास होना है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपको साइंस बैकग्राउंड से होना है, या पीसीबी या फिर आपके पास पीसीएम होना चाहिए, ठीक है। ये जो महत्वपूर्ण बात आप याद रखिएगा, अगर आपको वन विभाग में स्केलर पद पर भर्ती होना है तो आपको इंटरमीडिएट आपका या तो पीसीएम होना चाहिए या तो आपका पीसीबी यहां पर होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए 150 हाइट और मेल कैंडिडेट के लिए 163, और यहां पर मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट भी यहां पर है, ठीक है। बाकी हिल स्टेशन के लिए आप देख सकते हैं हाइट अनुमानित है, बाकी और दौड़ की अगर बात करें तो मेल अभ्यर्थियों के लिए 25 किलोमीटर, फीमेल अभ्यर्थियों के लिए 14 किलोमीटर, जो कि 4 घंटे में आपको तय करनी है। उसके अलावा शॉर्ट पुट, लंबी कूद, ऊंची कूद, सब कुछ यहाँ पर देख रखा है। बाकी 100 अंकों की आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। बाकी आप देख सकते हैं सिलेबस वगैरह भी, जिन अभ्यर्थियों ने ऑलरेडी यहाँ पर स्केलर के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा होगा, ठीक है, उनको अच्छे से पता होगा कि किस तरह से तैयारी करनी है और कैसी करनी है। सामान्य विज्ञान आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा गणित यहाँ पे आएगा,
और ये जो है छोटा सा मैंने आपको एक हिंट दे दिया है। तो आने वाला समय उत्तराखंड में भर्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारी भर्तियां उत्तराखंड में आने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत। और ये स्केलर से संबंधित PDF और ये स्केलर वाला जो नया विज्ञापन है, दोनों आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत, जय उत्तराखंड।